केशव, मुझे लगता है कि कल की तैयारियों का नेतृत्व तुम्हें करना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इस बार मैं पहले सबके सुझाव सुनूंगा। आज तुम नए घर में जा रही हो, वहां इतना पुण्य कमाओ, इतनी खुशियां बांटो कि बिना उस धागे के भी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। असोबा, मैं समझ गई हूं कि आपने मुझे यहां क्यों भेजा है। यहां सब बिखरे हुए हैं, लोग साथ होकर भी साथ नहीं हैं, कोई प्यार नहीं है। अगर मैं इस परिवार को उनकी खुशी लौटाने में मदद कर सकती हूँ तो शायद राम जी मुझे मेरी खुशी लौटा देंगे। विद्या, विद्या, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कौन सी गलती के लिए, जरा ये भी बता दीजिए। उस समय मैं कमजोर थी, कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब मैं आपको मनमानी नहीं करने दूंगी। काकी,
आप काका को मत डांटिए। मैंने उनसे पूछा था कि मैं गुड़िया के साथ खेल सकती हूँ। गलती मेरी है, आप उन पे गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा होने से आपकी तबीयत और बिगड़ रही है। आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दीजिए। आपको जितना मारना है मुझे मारिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तो ठीक है, आप मुझे नहीं मारेंगी, मैं अपने आप को सजा दूंगी। नहीं बेटी, छड़ी छोड़ दो। नहीं काका, काकी बहुत गुस्से में है, उनका गुस्सा बाहर निकलना चाहिए। आजूबा कहते हैं मन में गुस्सा रखने से इंसान बीमार हो जाता है, शायद इसलिए काकी इतनी बीमार है। मुझे सजा मिलेगी तो शायद काकी का गुस्सा कम हो जाए। इसीलिए बता देती हूँ, पर मेरी गुड़िया को और इस संदूक को हाथ मत लगाना तुम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।